हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। यूपी में एनआरसी लागू करने पर अखिलेश का योगी पर तंज। अगर योगी ने ऐसा किया तो पहली मुश्किल उनको ही होगी। उन्हें यूपी छोड़ना होगा क्योंकि वो उत्तराखंड के मूल निवासी। अखिलेश का आरोप, एनआरसी के जरिए डराने की राजनीति हो रही है। एनआरसी का मुद्दा राष्ट्रीय राजनीति से निकलकर अब राज्य की राजनीति में भी शामिल हो गया है। अभी कुछ ही दिन पहले यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि अगर जरूरत पड़ी तो यूपी में भी असम की तर्ज पर एनआरसी यानी राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर लागू कराया जाएगा। योगी आदित्यनाथ के इस बयान पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया दी है, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर यूपी में एनआरसी लागू किया जाता है तो सबसे पहले सीएम योगी को यूपी छोड़कर जाना पड़ेगा क्योंकि वो उत्तराखंड के मूल निवासी हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि एनआरसी केवल डराने की राजनीति है। पहले बांटो और राज करो की राजनीति होती थी, अब डर की राजनीति हो रही है। हमने बांटने वालों को तो भगा दिया, अब हम सब मिलकर जनता को समझाएंगे, तब ये डराने वाले लोग भी सरकार से हट जाएंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि सीएम योगी कहते हैं कि वो यूपी में भी एनआरसी लागू करेंगे, ऐसा हुआ तो सबसे पहले उन्हें ही यूपी छोड़ना होगा क्योंकि वो उत्तराखंड के मूल निवासी हैं। ये तो आप यानी पत्रकार हमारे लिए काफी अच्छी खबर लाए हैं। अखिलेश ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार हो या फिर यूपी की योगी सरकार, दोनों ही लोगों को डराकर राज कर रही हैं। भाजपा का मकसद लोगों को डराकर रखना है, जिससे वो अपने हक की आवाज तो उठा ही नहीं पाए बल्कि यही साबित करने में लग जाएं कि वो भारत के नागरिक हैं भी या नहीं। हर नागरिक एक डर में है और उसका ध्यान सरकार की नाकामियों की तरफ जाता ही नहीं। अखिलेश ने कहा कि जब से यूपी में योगी सरकार आई है तब से विकास के नाम पर कुछ भी नहीं किया गया है, बल्कि जब भी महंगाई जैसे मुद्दे सामने आते हैं तो यूपी सरकार ऐसा कुछ कर देती है कि जनता का मूल समस्या से ध्यान हट जाता है और वो दूसरी बातों में उलझकर रह जाती है। योगी सरकार का यूपी में एनआरसी लागू करने का विचार भी इसी कड़ी का हिस्सा है। यूपी में कानून व्यवस्था जीरो है और बड़े बड़े अपराध हो रहे हैं। जब भी सीएम योगी बड़े पुलिस अधिकारियों के साथ मीटिंग करते हैं तो कोई ना कोई घटना हो जाती है। रोजगार तो है ही नहीं, उल्टे नौकरियां जा रही हैं। व्यापार का क्या हाल है, तो ऐसे में कोई सवाल न पूछ सके, इसलिए योगी सरकार ने एनआरसी का राग अलापना शुरू कर दिया है। लेकिन हम जनता को बताएंगे कि इनका मकसद लोगों को डराकर अपनी कुर्सी बचाना है। जनता ही ऐसे लोगों को सबक सिखाकर गद्दी से उतार सकती है।